प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे तरीके खोज रखे थे जिनसे वो लंबी आयु तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते थे। आज की इस वीडियो में हम उन नियमों में से सबसे प्रमुख नियमों का उल्लेख करेंगे जो बेहद ही आसान है और जिन्हें अपनाकर कोई भी मनुष्य, चाहे आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा हो या बच्चा, कोई भी बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे ऋषि पुराने समय में कभी भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया करते थे। चरक संहिता में इसके कारक का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया को संचालित करने वाली जठरांगनी, जिसे कुछ लोग पाचन अग्नि के नाम से भी जानते हैं, और ये पाचन अग्नि सूर्य के संपर्क के साथ ही अच्छी तरह से काम करती है। और जब कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद भोजन करता है तो रात के समय उसकी पाचन अग्नि सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण धीरे धीरे पाचन क्रिया का काम बाधित होने लगता है और इसी के साथ शरीर में बीमारियों का जन्म होने लगता है। इन्हीं से इन सभी बीमारियों का मूल पैदा होता है। अगर इन मूल को जड़ से खत्म कर दिया जाए तो एक शरीर जीवन भर बीमारियों से मुक्त रह सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब हमारी पाचन अग्नि सही तरह से काम नहीं करती है तो हमारी प्राण शक्ति को काम करना पड़ता है, और हमारी प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम को अच्छे से कर सकती है। जब हमारी प्राण शक्ति पाचन क्रिया में लग जाती है तो हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, और इसी वजह से 8-8, 10-10 घंटों की नींद लेने के बाद भी कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसका कारण यही होता है कि प्राण शक्ति की जो ऊर्जा रात के समय हमारे शरीर को अंदर से ठीक करती है, उसे रिपेयर करती है, तो यही ऊर्जा रात के समय जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर की जो बीमारियों को ठीक करने में अपना समय लगाएगी, और फिर धीरे धीरे समय के साथ आपका शरीर अपने आप बीमारियों को ठीक कर लेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले करना होगा, ताकि आपकी जो जठरागनी है सूर्य के संपर्क में अच्छे से काम करती है, वो आपके भोजन को अच्छे से जल्दी पचाने में आपकी मदद करेगी और इसी वजह से आपकी प्राण शक्ति दूसरा कार्य कर सकती है। मान लीजिए आप शाम में 6-7 बजे के बीच में भोजन करते हैं और रात में 9-10 बजे तक सोने चले जाते हैं, तो ये 2-3 घंटे जो होते हैं उसमें आपका ज्यादातर भोजन पच चुका होता है और बाकी का भोजन रात्रि के 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है, और उसके बाद आपकी प्राण शक्ति आपकी बॉडी को रिपेयर करने में लग जाती है, आपके शरीर की बीमारी को ठीक करने में जुट जाती है, और यही वो समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करना अपने आप ही शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को अर्धवास कहा जाता है, जिसकी पूरी अवधि 16 घंटे की होती है। लेकिन जो लोग दिन में 16 घंटे उपवास करने में सक्षम नहीं है, वो दिन में 12 घंटे उपवास से शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रात में 7 बजे भोजन किया है तो अगले दिन भी 7 बजे ही भोजन करें, जिससे आपकी बॉडी को तकरीबन 6 घंटे मिलते हैं खुद को रिपेयर करने के। इस अर्ध उपवास में हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया घटित होती है वो आप जानते हैं। पहले आप इसको समझें कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता, इसलिए शरीर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कोशिकाओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं को खाना शुरू कर देता है, और इसी कारण से हमारी कोशिकाओं का अपने आप शुद्धिकरण होने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑटोफैगी कहा जाता है, बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर डिटॉक्स करना। सिर्फ 21 दिन के लिए जो मनुष्य इस प्रक्रिया को अपना लेता है उसकी त्वचा में निखार आने लगता है, उसके बाल गिरने कम हो जाते हैं और सुबह अच्छी और ताजगी से भरी हुई गहरी नींद आती है और मानसिक तनाव बिल्कुल हट जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अर्ध उपवास करने से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, जबकि अर्ध उपवास करने से शरीर का फैट कम होता है, मसल्स का लॉस नहीं होता है, और मसल्स का लॉस नहीं होता इसलिए शरीर की क्षमता अपने आप बनी रहती है। अब तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि आपकी प्राण शक्ति
आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार आपको भोजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो समझने वाली बात है वो ये है कि आज के समय में मनुष्य काम करते करते अपनी दैनिक दिनचर्या को बिल्कुल छोड़ देता है। वो किस प्रकार सही समय पर भोजन करे, अगर वो रात में काम करता है तो वो किस प्रकार भूखा रहे, क्योंकि उसे तो आदत हो गई है रात के समय देर तक खाना खाने की। और कुछ लोगों के साथ समस्या ये है कि वो भूखे नहीं रह सकते, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भूख लग ही जाती है। तो इस प्रकार कैसे वो इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं, तो देखिए, अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीच बीच में कुछ लिक्विड चाहिए, जिससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रह पाए और आपके शरीर की डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाए। शुरुआत में अगर आप अपने रात्रि का भोजन 7 बजे तक कर लेते हैं तो आपको रात्रि में 10 बजे तक भूख लगेगी ही लगेगी। उस समय अगर आपको भूख लगती है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, इससे आपके शरीर में बहुत सारे लाभकारी फायदे भी होंगे और आपके शरीर की डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। इसके अलावा आप कॉफी भी पी सकते हैं, और जिन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है वो लोग थोड़े गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं, इससे उन्हें अद्भुत लाभ होगा। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि उनके शरीर का वजन कितनी तेजी से घट गया है। लेकिन जिन लोगों को ठंड बहुत जल्दी लगती है, खांसी जुकाम जल्दी होता है, ऐसे लोगों को रात में पानी में नींबू मिलाकर कभी नहीं पीना चाहिए। आप उसकी जगह पर त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं, जो कि बहुत लाभकारी होता है। ये आपके शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स करने के पूर्ण सहायता करता है और सुबह आपका पेट अच्छे से खाली होगा। अगर आप त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो जिन लोगों को मधुमेह या फिर शुगर की समस्या रहती है, तो ऐसे लोग अपना अर्ध उपवास पूरा करने के बाद जब अपना सुबह का पहला भोजन करते हैं, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट जरूर करते हैं, तो हल्के गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर और दालचीनी का पाउडर और ऊपर से एक नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। इससे उन्हें डायबिटीज में बहुत राहत मिलेगी, उनका रिजल्ट बिल्कुल बदल जाएगा, उनका शुगर लेवल डायबिटीज बिल्कुल मेंटेन होने लगेगा। जिन लोगों को हार्ट की समस्या ज्यादा होती है, ऐसे लोग सुबह नाश्ते में घिया या फिर कद्दू का जूस ले सकते हैं। ये उनकी त्वचा के लिए, उनकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और हार्ट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। जिन लोगों का डाइजेशन, पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती, वो लोग पानी में अजवाइन जीरे को गर्म करके उस पानी को ठंडा करके पी सकते हैं, इससे उनकी पाचन क्रिया बहुत सुलभ हो जाएगी। और जिन लोगों को अर्ध उपवास करने में दिक्कत होती है, बार बार भूख लगती है, वो लोग गर्म पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं, वो उनकी भूख को मिटा देगा और उनके शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत मददगार सिद्ध होगा। कुछ लोग जल्दी परिणाम पाने के लिए हफ्ते में 2-2 दिन अर्ध उपवास करते हैं, लेकिन फिर 5 दिन भर भर के भोजन करते हैं। इससे उन्हें जल्दी परिणाम तो मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसे रिजल्ट काम नहीं आते। अर्ध उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग धीरे धीरे रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा के लिए होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपने फास्टिंग करना छोड़ दिया तो आपका शरीर फिर से वैसा ही हो गया। इसमें एक बार आपके शरीर को जो फायदा हो जाए वो बहुत समय तक टिकता है। लेकिन देखिए कि हर कोई अर्ध उपवास नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग स्पोर्ट्स में काम करते हैं, खेल कूद में होते हैं, उनको अपने शरीर में अच्छी डाइट चाहिए ही होती है, क्योंकि उनके लिए हेल्थ से ज्यादा परफॉर्मेंस जरूरी होती है। छोटे बच्चों को भी अर्ध उपवास नहीं करना चाहिए। वहीं जिन लोगों को डायबिटीज है, वहीं जिनका शुगर लेवल गड़बड़ रहता है, यदि उन्हें अर्ध उपवास करना है तो उन्हें समय समय पर अपना शुगर देखना होगा। जो लोग अर्ध उपवास का सही तरह से पालन करते हैं, उनके शरीर की 80% बीमारियां खुद ही सही हो जाती है। और जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, ऐसे लोग अर्ध उपवास करके अपने शरीर को डिटॉक्स करके सारी बीमारियों को होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं, जिससे कि उनके भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। यही हमारे ऋषि मुनियों का जीवन भर का स्वस्थ रहने का अचूक मंत्र था, जिसका आयुर्वेद चरक संहिता में अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है और हर जगह ये देखने को मिलता है। चरक संहिता में हर अर्ध उपवास के साथ
एक और नियम जोड़ा गया था, लेकिन जो आज के समय में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम उसके बारे में बता देते हैं, शायद कुछ लोग इसका पालन कर पाए। तो देखिए, पुराने समय में जो खाना पकता था वो मिट्टी के बर्तन में पकता था, और ये बहुत जरूरी होता था कि भोजन को पकाने के लिए उसमें वायु का स्पर्श हो, उसमें प्रकाश का स्पर्श हो, उसमें अग्नि और मिट्टी का भी स्पर्श हो। उस समय मिट्टी का तो बर्तन होता ही था, अग्नि का स्पर्श खाने को पकाने के लिए दिया जाता था। सूर्यास्त से पहले अगर खाना पकेगा तो उसमें प्रकाश और वायु दोनों का स्पर्श आ जाएगा, क्योंकि खाना किसी प्रेशर कुकर में नहीं बल्कि खुले बर्तन में पकता था, जिससे वायु उसे स्पर्श कर सके। लेकिन आजकल की जीवन शैली में ये संभव नहीं है, इसलिए हम कम से कम अर्ध उपवास करना तो सीख सकते हैं। इससे आपके शरीर को फायदा जरूर पहुंचेगा, आपका शरीर हर बीमारी से बचा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। नमो बुद्धाय।